ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जिसका जिक्र हम जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस में नहीं सुनते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो इसे नक्शे पर पहचान भी ना सकें। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ये जगह नए जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का एपिक सेंटर बन गई है, और आज दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर अमेरिका और चीन दोनों ही इसके पीछे लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है ग्रीनलैंड में, और इससे किसी देश को क्या फायदा हो सकता है? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ग्रीनलैंड के अंदर दुनिया की ग्रेट पावर्स का इंटरेस्ट आज से नहीं है, बल्कि काफी समय से रहा है। ये आइलैंड कंट्री यूं तो आइस से घिरी हुई है, जिस वजह से यहाँ का लाइफस्टाइल काफी मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ साथ इसके पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के बहुत करीब है, और इसके एक तरफ यूएस और कनाडा जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस, नॉर्वे और स्वीडन हैं। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, तब अमेरिका ने यहाँ पर ही अपना पहला मिलिट्री बेस बनाया था, ताकि वो रूस पर नजर रख सके और यहाँ से यूएस की तरफ वार्निंग भेज सके। लेकिन कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इस जगह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आज के समय में इसकी इन्फ्लुएंस इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ये देश चारों तरफ से आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है, और आप तो जानते ही हैं कि आर्कटिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रोजन है और यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस जगह पर भी बदलाव आ रहे हैं, और बाकी अर्थ के मुकाबले यहाँ का एवरेज टेम्परेचर हर साल 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है। इससे हुआ ये कि यहाँ कई ग्लेशियर पिघल गए, और आने वाले समय में ये प्रेडिक्ट किया गया है कि एक समय में यहाँ पर सारी आइस पिघल जाएंगी। अब यूं तो ये प्लैनेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इस समय में ये इसके पड़ोसी देशों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, क्योंकि जब ये आइस पिघल जाएंगी तो यहाँ से नए ट्रेड रूट खुल जाएंगे। इसी के साथ साथ इस इलाके में फिर माइनिंग भी की जा सकती है, जिससे कि रेयर अर्थ मिनरल्स और हो सकता है कि ऑयल तक की खोज यहाँ पर हो जाए, जो किसी भी देश को लालची बना सकता है। ऐसे ही कुछ लालची चीन भी दिख रहा है। चीन वैसे तो आर्कटिक कंट्री नहीं है दोस्तों, और न ही उसका आर्कटिक ओशियन से कोई हिस्टोरिकल नाता रहा है, लेकिन अब चीन भी इस इलाके के ट्रेड रूट्स पर दावा करना चाह रहा है। यहाँ पर रूस के साथ मिलकर चीन एक आर्कटिक सिल्क रूट बनाना चाहता है, जिससे कि उसके लिए यूरोप और बाकी दुनिया से ट्रेड करने का एक और रास्ता खुल जाए। चीन के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इस समय हम देखें, चीन को ट्रेड करने के लिए अपने जहाजों को इंडियन ओशियन के थ्रू गुजारना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे चौक पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्टली यूएस या फिर उसके अलायंस कंट्रोल करते हैं। इनमें इंडोनेशिया के मलक्का स्ट्रेट का जिक्र भी बार बार आता है, जहां से चीन के 80% ऑयल इंपोर्ट्स गुजरते हैं। जी हाँ, इसी वजह से चीन बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि किसी युद्ध की स्थिति में इन चौक पॉइंट्स पर चीन के वेसल की पासिंग को डिनाई किया जा सकता है, जिससे कि चीन ना ही दुनिया से ट्रेड कर पाएगा और ना ही अपने देश के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा। अब ये इलाका तो ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमेरिका की प्रेजेंस नहीं है, बल्कि अब तो पूरा क्वाड ग्रुप है। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देश भी चीन को खास पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके कंट्रोल वाले साउथ चाइना सी के हिस्से पर भी चीन अपना दावा ठोकता है। अब चीन को भी पता है कि इस इलाके में अब उनके लिए पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हासिल कर पाना मुश्किल है। लेकिन अब जो नया ट्रेड रूट क्लाइमेट चेंज के कारण खुलने वाला है, तो इन ट्रेड रूट्स में कनाडा और रूस की भी बड़ी दिलचस्पी है। अब इन सब देशों के बीच में है ग्रीनलैंड, इसलिए अगर यहाँ पर किसी भी देश को अपने ट्रेड रूट को सिक्योर करना है, तो उसे ग्रीनलैंड से न सिर्फ अच्छी दोस्ती बनाकर रखनी होगी, बल्कि ग्रीनलैंड को इस कदर अपने खेमे में करना होगा कि ग्रीनलैंड जब चाहे उस देश की मदद के लिए उसके दुश्मनों के रूट को ब्लॉक कर दे। यही वजह है दोस्तों कि ग्रीनलैंड में फिर से सभी देशों का इंटरेस्ट जाग गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो प्रेसिडेंट रहते हुए ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दे दी थी कि वो ग्रीनलैंड को ही खरीदना चाहते हैं। खैर, ये तो पॉसिबल नहीं है, पर यूएस का इंटरेस्ट ग्रीनलैंड में फिर से जाग उठा है, और उन्होंने यहाँ पर 2020 में फिर से अपनी एक कॉन्सुलेट खोल दी थी,
जो कोल्ड वॉर के बाद बंद कर दी गई थी। ये उनकी राजधानी नुक में मौजूद है। ट्रेड रूट के अलावा जो यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स होने की बात कही जा रही है, वो वही मिनरल्स हैं जो आज के मॉडर्न गैजेट्स और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और इस समय चीन के इस तरह के मिनरल्स को माइनिंग करने में एक मोनोपोली है। दोस्तों, चीन आज दुनिया के सबसे बड़े कोबाल्ट, लिथियम और माइका माइनिंग और प्रोसेसिंग कंट्रीज में से एक है और नेचुरली ट्रेड रूट के अलावा उनका इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। 2017 में जब ग्रीनलैंड को अपने यहाँ पर नए एयरपोर्ट बनाने थे तो उन्हें आसानी से इसके लिए फाइनेंसर नहीं मिल रहे थे। एयरपोर्ट के अलावा ग्रीनलैंड को बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत जरूरत है और इसलिए ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर चीन गए और चीन ने तुरंत इस लोन के लिए हामी भर दी और बस यही एक शर्त रखी कि जो कंपनी इस एयरपोर्ट को डेवलप करेगी वो चाइनीज ही होगी। यानी चीन एक जेब से पैसा निकालेगा, उसे ग्रीनलैंड को देगा, फिर ग्रीनलैंड वही पैसा चीन को पेमेंट के रूप में देगा और चीन उसे अपनी दूसरी जेब में रखकर ग्रीनलैंड से फिर लोन भी वसूलेगा। असल में पैसा डबल करने की स्कीम तो चीन ही दुनिया में चला रहा है दोस्तों। चीन की स्ट्रैटेजी को डेब्ट ट्रैप भी बोला जाता है, जिसके बारे में आपने कभी मीडिया में जरूर सुना होगा। जब ग्रीनलैंड और चीन की डील अनाउंस हुई थी तो अचानक से अमेरिका घबरा गया था और उसने डेनमार्क से इस डील को रोकने के लिए भी कहा था। अब आपको यहाँ पर एडिशनल जानकारी भी दे दें कि जिस तरह इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड अलग अलग कंट्रीज होते हुए भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हैं, उसी तरह ग्रीनलैंड भी एक अलग कंट्री तो है लेकिन वो किंगडम ऑफ डेनमार्क में आने वाली 3 कंट्रीज में से एक है और इसीलिए यूएस ने डेनमार्क को अप्रोच किया है। दोस्तों, यूएस को ये डर भी था कि अगर इतने स्ट्रैटेजिक लोकेशन को चीन ने अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया तो चीन यहाँ पर भी लोन न चुकाने पर डेनमार्क के एयरपोर्ट और पोर्ट हथिया लेगा और क्योंकि डेनमार्क यूएस के बहुत करीब है इसलिए ऐसा होने से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए यूएस ने डेनमार्क से डील कैंसिल करने के लिए कहा और ऐसा हुआ भी। उसके बाद अब डेनमार्क यहाँ के 2/3 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद एक चाइनीज कंपनी ने यहाँ से जिंक और लेड जैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी एक डील साइन की थी। ये डील एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ थी और जब यूएस को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इस डील को भी कैंसिल करवा दिया और अब यूएस इस सेम प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए $650 मिलियन उन्हें दे रहा है। इससे आपको ये समझ में आता होगा कि ग्रीनलैंड को अमेरिका कितना सीरियसली मॉनिटर कर रहा है और वो चीन के हर प्लान को यहाँ से कैंसिल करने में लगा हुआ है। कई सारी चाइनीज कंपनी जिन्होंने ग्रीनलैंड में माइनिंग लाइसेंस पा लिए थे उन्हें भी यूएस प्रेशर में कैंसिल करवाया गया और हर संभव कोशिश की जा रही है कि चीन को इस इलाके से दूर ही रखा जाए। इसके साथ साथ यूएस ने यहाँ पर अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट तो $4 बिलियन का है। इस प्रोजेक्ट में वो यूएस स्पेस फोर्स के ग्रीनलैंड बेस को अपग्रेड करेंगे और साथ ही उन्होंने फ्रेंडली आर्कटिक कंट्रीज के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने का भी प्लान बनाया है। यूएस आर्मी लगातार सोल्जर्स को यहाँ पर आर्कटिक की कंडीशन से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रही है और इन सब के अलावा भी ग्रीनलैंड को अब यूएस यूं ही करोड़ों डॉलर की एड ऑफर कर रहा है ताकि वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी डेवलप कर सके और अमेरिका के खेमे में ही रहे। लेकिन क्या यूएस इस एज को मेंटेन कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि चीन भी बहुत चालाक देश है। दोस्तों, आज सभी को पता है कि चीन यूक्रेन युद्ध में रूस का हथियार सप्लाई कर रहा है और साथ ही उनके ऑयल का बायर भी बन गया है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन इस कदर अमेरिका के यूरोपियन अलायंस और नाटो मेंबर्स को अपने जाल में जकड़ा हुआ है कि फ्रांस के राष्ट्रपति अपने पिछले चीन दौरे में शी जिनपिंग की तारीफ कर आए थे और साथ ही अब ऐसा भी लग रहा है कि ताइवान के मामले में अमेरिका और यूरोप की राय कुछ पॉइंट्स पर अलग है। ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है दोस्तों,
चीन ने हाल ही में ईरान और सऊदी का झगड़ा भी सॉल्व करवाया है। अफ्रीका पर तो वो कब्जा कर ही चुका है और साउथ अमेरिका के ज्यादातर देश भी आज चीन के साथ बड़े अच्छे रिश्ते रखते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि अगर चीन यहाँ पर इतना एक्टिव है तो भारत को भी इस बारे में कुछ करना चाहिए? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।